तो कोई लड़की शादी नहीं कर रही है, तो फिर एक लड़की मिली शादी के लिए, लेकिन उसने एक शर्त रखी थी कि मैं अपना कोई बच्चा पैदा नहीं करूँगी। इस शर्त पर अगर तुम्हें ताज को लेना है, मतलब बच्चे को लेना है, तो ले लीजिए, करनी है तो कर लीजिए, कि मैं अपना बच्चा पैदा नहीं करूँगी। मैंने भी भीष्म पितामह की तरह ओके कर दिया और आज लगभग 6 साल हो गए कोई बच्चा ही नहीं है। कौन होगी महिला जो शादी करने के बाद कहेगी कि मैं माँ नहीं? धन्य है वो आपकी जो बीवी बन के आई हैं, और धन्य है इस भारत की नारी। वाकई जब भारत की नारी पे आती है बात, तो कोई ना कोई नारी अजीब एक इतिहास लिख के जाती है, और आपने लिखा है सर। आज मैं धन्य हो गया, और उनसे भी मैं चाहूँगा सर कि 2 मिनट देखिए सर भावुक होते, और कोई नहीं चाहेगा सर, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ कि कोई नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी और मैं बाप अपने खुद का, लोग कहते हैं ना कि दूसरे का घर, मैं खुद का झोपड़ी में रहना पसंद करूँगा। और आपने सर सब कुछ त्याग दिया उस शबनम के बेटे के लिए, आगे चल के उस शबनम का बेटा क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन उस माँ के, लोग कहते हैं ना कि हर एक जब शादी होती है तो हर एक पत्नी का, हर एक लड़की का सपना होता कि मेरा एक खुद का बेटा होगा, लेकिन उसने अपने कोख को भी मार दिया उस शबनम के बेटे के नाते। सर कोई शब्द नहीं है, मैं ज़्यादा सवाल भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग, और आपने फिर से ट्यून किया है मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। कभी कभी लगता है कि जितेंद्र कहां से ऐसे लोगों को ढूंढ लाता है जिससे मिलना मुमकिन नहीं नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि हूं इस समय एक अलग, लोग बताते हैं ना कि जब कहानियाँ पढ़नी होती है तो उस्मान सैफी साहब का नाम तुरंत आता है। YouTube पे धमाका मचाए हुए हैं, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि कैसे मैं मिल पाऊंगा, लेकिन मिलने के उपरांत मेरे दिल में जो था वो सब कुछ हल्का हो गया। जो चाहता था वो नहीं था, और जो नहीं चाहता था वो ऑटोमेटिक आने लगा। आप देख सकते हैं, मैं जहाँ से बेबाक अपना कहानियाँ शुरुआत करते रहते हैं उन्हीं के साथ, और वहीं पे हूँ, उसी छत पे हूँ जहाँ की वो हमेशा शूट किया करते हैं। आप देखेंगे अक्सर तो वहीं से शूट किया करते हैं। पहले तो आपका सर स्वागत है मेरे YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस पे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भाई, आपसे मिलकर पर्सनली इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद आपको देखता रहा हूँ, और मेरे सर हैं उन्होंने नाम लेने से मना किया है। उन्होंने मुझसे कमिटमेंट किया था कि तुम इतने सारे लोगों का इंटरव्यू करते हो, एक बार जितेंद्र भाई से जरूर मिलना है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि जिस जगह से मैं स्टोरी पढ़ता हूँ आज उसी छत पर मेरे साथ जितेंद्र भाई हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है जी। अच्छा लगा। मैं तो कभी सपने में नहीं सोचा था सर, जैसे आप मेरा वीडियो देखते थे, मैं नहीं सोचा था कि आप मुझे देखते हैं। आप इतने बड़े, कभी कभी लगता है ना कि यार बड़े लोग नहीं देखते होंगे, जैसे बड़े यूट्यूबर हो गए, बड़े टीवी चैनल वाले हो गए, लेकिन मुझे नहीं लगता था। लेकिन आपसे मिलके, और सबसे जिससे जिससे मिला, सभी लोग यही कहते हैं जितेंद्र जी मैं आपको पहले देखा करता था, अच्छा लगता था, और अच्छा भी लगता है कि आप हमारे जैसे तुच्छ प्राणी को देखते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। तो आज मैं इनसे जानने का कोशिश करूँगा, कुछ कहानियाँ हैं, और जो कहानियाँ हमेशा एक कहानी में है, लेकिन उस कहानी को मैं देखता था तो लगता था कि अब अगला बंदा फिल्म दिखाएगा, उस दिन से मैं फिल्म देखना ही बंद कर दिया। अच्छा लगा सर, एक सफ़र कब से स्टार्ट हुआ कि यूट्यूब पर आके इस तरह से, मतलब बेबाक कहानियाँ सुनाना, ये सब सफ़र कैसा रहा? असल में मैं प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ था जी, जो उत्तर प्रदेश के लीडिंग अखबार माने जाते हैं, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान जी। तो मैंने तीनों अखबारों में काम किया जी। लॉकडाउन का समय चल रहा था जी, बड़े लोगों की नौकरियां जा रही थी जी, मेरी भी नौकरी चली गई। तो ऐसे में समझ नहीं पा रहा था कि मुझे करना क्या है। प्रिंट का बंदा था, मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं अपनी आवाज़ रेडियो तक पहुँचाऊँ, लेकिन ये आवाज़ रेडियो तक ना पहुँची, लेकिन आप तक ज़रूर पहुंच गई यूट्यूब के माध्यम से। और 9 मई 2021 को मैंने अपने एक नई ईमेल आईडी बनाई थी, तभी मुझे किसी ने बताया कि आपको यूट्यूब शुरू करना चाहिए, और मैंने यूट्यूब शुरू किया। और बस ये मेरे लिए मतलब सौभाग्य की बात है कि महज 11 दिन लगे मुझे वो यूट्यूब की सारी शर्तें पूरा करने में। अच्छा, 11 दिन में ही मेरा यूट्यूब का
जो भी क्राइटेरिया होता है 4000 घंटे 1000 सब्सक्राइबर वो सब कुछ 11 दिन में कंप्लीट हो चुका था, बल्कि ज़्यादा हो चुका था। मेरे शायद 15वें दिन 5000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए थे जी। और बजाय 4000 घंटे के 9000 घंटे कंप्लीट हो गए थे। लोगों को वो चीज़ें पसंद आ रही थी। लगता था कि चुनौतियाँ है, चुनौती तो चुनौतियाँ हैं। चुनौती वाली बात यह है कि जब नौकरी चली गई थी तो मैं थोड़ा सा अवसाद में चला गया था जी। और अवसाद में जाने के बाद कई बार मन ऐसा टूटने लगता था कि यार मैं क्या हूँ, क्या करूँ, कैसे ना करूँ। कई बार हम हिम्मत हार जाते हैं, तो वैसे मैं भी हिम्मत हारा हुआ था। कई महीने खाली बैठने के बाद तब मन में आया था कि कुछ करना है जी। लेकिन जब कोई भी कहानी हम सुनाते हैं तो उसके लिए बड़ा रिसर्च करना पड़ता है। अब एक छोटा सा वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ कि मैं घर के अंदर, ये जून का महीना है, रिसर्च कर रहा हूँ, सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर खुला हुआ है, मोबाइल रखा हुआ है, दूसरा मोबाइल रखा हुआ है, सब कुछ ऐसे खुला हुआ है, और वो मैं कुछ नया ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जून के महीने में फिर एकदम घर की घंटी बजती है, मेरे पड़ोसी हैं वो अंदर आते हैं, और अंदर आने के बाद मैं ज़मीन पर लेटा हुआ हूँ, मैं ज़मीन पर पड़ा हुआ के बैठा है, ये सब चीज़ें, क्योंकि याद करने के लिए बिना किसी मदद के आप सुनाएंगे तो जाहिर सी बातें मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो मेरे पास बैठे हुए हैं, तो अक्सर वो अपने पसीने पूछ रहे थे, बार बार पसीने पूछने के, रुमाल से कभी कुछ। तो मैंने कहा कि आज जावेद भाई कुछ ज़्यादा गर्मी है क्या? तो बोले गर्मी तो लगेगी जब पंखा भी नहीं चलेगा तो। तो पंखा भी नहीं चलता था, पता ही नहीं चलता था कि पंखा भी चलाना है कि नहीं चलाना है। इस तरह से डूब के रिसर्च किया, और जब कहानी को, कोई कहानी भी मैंने अगर सुनाई है और उसको ये समझ के कि मैं उस घटना स्थल पर मौजूद हूँ, मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ, और जब लोगों के कमेंट आते हैं, कुछ लोग तो गालियाँ भी देते हैं, वो भी देखते हैं, कहते हैं कि ऐसे सुनाते हो जैसे कि बिल्कुल मौके पे ही तुम्हारे सामने सब कुछ हो रहा है, मौके पे ही लोगों की गर्दन उड़ाई जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है, गोली चल रही है, गलत काम हो रहा है, तब लगता है कि हाँ मेरी मेहनत वसूल हो गई है। बाकी मेहनत बहुत है, लेकिन जब मेहनत के बाद जब लोग ऐसे कमेंट करते हैं तो उत्साह दुगना तिगना हो जाता है, होता रहता है। ज़रूरी नहीं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब तक आप बदनाम नहीं होंगे तब तक आपका नाम नहीं होगा, नाम नहीं हो, सही बात। जैसे कभी कभी होता है हताश निराश होना, बड़ी ज़िंदगी का उतराव चढ़ाव होता है, तो कौन सा वह दिन रहा जिस दिन आप बहुत काफ़ी हताश हो गए थे कि नहीं अब मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है? हाँ, एक बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने गांव वालों के लिए कुछ अलग से सोचता था। जब भी कोई बड़ी बिल्डिंग दिखता था मेरा मन करता था मेरे गांव में ऐसी बड़ी बिल्डिंग हो। जब भी कोई अच्छी चीज़, कोई पार्क है, कुछ भी ए टू जेड बहुत अच्छा है, तो मेरा मन करता था मेरे गांव में हो। तो अक्सर हम कई साल पुरानी बात है कि हम अपने गाँव से नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत दूर जाया करते थे। तो मुझे लगता था कि यार गाँव में अगर मस्जिद बन जाएगी तो ये लोग, हम लोग गाँव में नमाज़ पढ़ लेंगे और आसपास के लोग भी यहाँ आ जाया करेंगे, क्योंकि जब ईद का त्यौहार होता है तो मेरे गैर मुस्लिम दोस्त मुझसे मिलने के लिए बहुत आते हैं। और पता चला कि हम 10 12 15 किलोमीटर दूर नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए और वो हमारे घर पे बैठे हुए हैं, तो वो इंतज़ार करते थे घंटों घंटों। मैं सोचता था कि यार घर में ही, गांव में ही एक मस्जिद बन जाएगी तो सही है। तो मस्जिद बनाई, पता चला कि लोगों ने आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिया, मुस्लिम मुस्लिम ही आपस में लड़ने लगे। तब मुझे लगा कि यार कोई फ़ायदा नहीं है जी के। तब मेरे मन में बहुत गंदे गंदे ख्याल आए थे, ये सन 2012 की बात है। तो ऐसी कई चांस हैं, ऐसी YouTube की को लेकर भी, YouTube ने तो बहुत कम समय में बहुत अच्छा दे दिया। जिसने भी YouTube बनाया उसके दिल से धन्यवाद, क्योंकि उसने ऐसे भाइयों से मुलाकात भी कराई। अरे नहीं नहीं सर, बहुत काफ़ी कहानियों को लेकर आते हैं सर, बेबाकी जैसे लगता है, सही आपने कहा, मैं भी देखा तो वो लगा। लेकिन आज जो सर एक कहानी आप में, एक पहला आप आपने परिचय दिया, लेकिन दूसरा परिचय आज मुझे पता चला कि कुछ दिन पहले, अगर बैक जूने जुलाई में हम लोग जाते हैं, बड़ा कहानी एक अजब हुआ था। कोई महिला थी, नाम शबनम था, और उस शबनम के पीछे आपने जो गजब का, एक लोग कहते हैं ना कि हाथ धो के पड़ जाना, लेकिन आपने एक अलग सब उनके साथ वर्ताव किया। उन शबनम की कहानी थोड़ा सा बताएंगे, दर्शक हमारा जानना चाहेंगे वो शबनम क्या थी जिसको न्यायालय ने कह दिया कि अब फांसी की सजा दे दिया, तो उनकी कहानी क्या थी? मैं इसे अपने हाथ में ले लेता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, आप मुझे बस परमिशन दे दीजिए प्लीज। चलिए, हालांकि आज मैं इनके लिए काम करता हूँ, किसी को दिया नहीं, खान सर भी यही कहे कि मैं पकड़ लूँ कहा, लेकिन नहीं, लेकिन आप एक पत्रकार हैं और इसलिए, चूंकि खान सर पत्रकार नहीं टीचर है, टीचर से अगर आप नहीं टाइट जाएंगे तो आपको डुबा देगा तुरंत। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जो चीज़ें आपको आगे बढ़ाती हैं, ये हमारी कलम है, और कलम का सम्मान नहीं होगा तो फिर किसका सम्मान होगा? थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि
मैं जानता हूँ कि इसकी क्या वैल्यू है मेरे आपके लिए और इसकी वैल्यू मेरी नज़र में क्या है, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया जी। और मैं फ़ैन हूँ आपका वाकई, ये इन हाथों को लेकर ये बात आपने शबनम की शुरू की है, तो ये उत्तर प्रदेश का ज़िला अमरोहा पड़ता है, वहाँ की एक तहसील हसनपुर का गाँव है बावनखेड़ी। सन 2008 की वो घटना है कि एक लड़की ने, ऐसा कानून कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक लड़की ने अपने ही परिवार के 7 लोगों को, इसमें उसके मम्मी हैं, पापा हैं, भाई है, भाभी है और भतीजा है और फुफेरी बहन, कुल मिला के 7 लोग हैं, उनकी हत्या कर दी थी एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर। लड़की का नाम शबनम और उसका प्रेमी का नाम सलीम। ये 14-15 अप्रैल 2008 के आसपास की बात है। हाँ, 2008 की बात है, 14-15 अप्रैल नहीं, कुछ और, हाँ अप्रैल की बात है जी। तो उसके बाद वो मामला, तो 2-3 दिन के बाद पुलिस ने केस खोल दिया था, मामला कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट से निचली अदालत से लड़की को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है जी। उसके बाद फिर बात हाई कोर्ट पहुँचती है, सुप्रीम कोर्ट पहुँचती है, जहाँ जहाँ भी ये मामला पहुँचा है वहाँ वहाँ से उनको फांसी की सज़ा ही बरकरार रखी गई है। लेकिन कहते हैं कि भारतीय कानून में एक बहुत अच्छी बात यह है कि कई गुनहगार बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए जी, जी। ऐसा ना हो उनके साथ कुछ गलत हो जाए, तो इसलिए उन्हें बार बार मौके दिए गए और उस मौके को दिए गए थे। इसी बीच में जब वो जेल में थी तब उनको एक बच्चा पैदा होता है, यानी कि जब जेल जा रही थी तो वो प्रेगनेंट थी, लगभग 2 महीने के आसपास के रहे होंगे। मैं इसलिए जुड़ा क्योंकि मैं उसी कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी जी। वो मेरे 2 साल सीनियर थी, मेरी मिलने की बड़ी तमन्ना थी, मैं उन पर किताब लिखना चाहता था लेकिन किताब उताब तो नहीं लिख पाया। जब मुझे वहीं से पता चला अखबारों के माध्यम से कि एक बच्चा है जो जेल में ही पैदा हुआ है जी। जेल में ही उसकी परवरिश हो रही है, सब कुछ जेल में हुआ है, तो मुझे लगा कि यार इस बच्चे को भी जीने का, वैसे ही सामान्य बच्चों की तरह जीने का अधिकार है। तो इसलिए मैं सीधा जेल जाके उस बच्चे को लाने के लिए जब मैं कोशिश की तो मुझे 3.5 साल लगे उस बच्चे तक पहुंचने में, और तमाम कोशिशों के बाद, बड़ी मुश्किलों के बाद वो बच्चा मुझे मिल पाया। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन रख दी थी कि बच्चा उसे ही मिलेगा जो शादीशुदा होगा, मेरी शादी हो ही नहीं थी तब ऐसे कंडीशन में मैंने कहा यार बच्चा कैसे। फिर मैंने कोशिश की तो शादी करने के लिए कोई लड़की आसानी से तैयार नहीं थी जी। जब तैयार नहीं थी तो मेरी एक दोस्त हैं वंदना सिंह, मैंने उनसे कहा कि एक बच्चा है ऐसे से लेना है इसको, उन्होंने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ। उन्होंने, हम दोनों ने शादी की, हम उस बच्चों के लिए क्या है, बच्चा हमारे साथ है, बच्चा आपके साथ है। ये हमारे बच्चा कभी पेट में पलता था, पेट में था 2 महीने का, उसकी माँ जेल में चली जाती है, लेकिन जेल में जाने के बाद जब वो बच्चा 2 से जब तक 9 महीने नहीं होगा तब तक माँ के गर्भ से वो बच्चा जमी पे नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही जमी पे आता है उसका कोई ना कोई रखवाला होना चाहिए। जेल में खुद लोग अपना नहीं रखवाला बन पाते हैं तो बच्चे का कहाँ से होंगे। तो आप बच्चे को लेकर क्यों इतना प्रेरित क्यों हुए कि नहीं बच्चे को ही लेना चाहिए? असल में मैं अखबारों में पढ़ता था, देखता था कि एक विज्ञापन जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है जी, वो अक्सर विज्ञापन निकालते थे कि इस बच्चे को एक माँ बाप की ज़रूरत है जी, और इस बच्चे को कोई लेके जाए जी। तो ये उस मुरादाबाद मंडल में, अमरोहा में, बिजनौर में, कई जो आसपास के ज़िले थे सभी में ये अखबार में विज्ञापन छपता था जी। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि एक भी एप्लीकेशन, सिंगल एप्लीकेशन नहीं आती थी उस बच्चे को लेने के लिए। जब कोई लेने के लिए तैयार नहीं था तो मैं जाता था शबनम से मिलने के लिए, उस पर किताब लिखने के लिए जी। शबनम मुझसे मिलना नहीं चाहती थी, तब मुझे लगा कि यार मुझे शायद किताब वताब नहीं लिखनी चाहिए, इस बच्चे को एक माँ बाप की ज़रूरत है, वो हमें पूरा करना चाहिए, तब मेरे दिमाग में आया। और ये बच्चा मुझे इतना परेशान करता था, रात में सोता था तो मुझे आके जगाता था कि मुझे यहाँ से लेके चलो, तो मुझे लगा कि यार कुछ मैं इस पर करना चाहिए। हालांकि बहुत शायद YouTube की वीडियो बनाने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी किया उसको लाने में। 3.5 साल मैं 150 किलोमीटर का सफ़र तय करता था, जाता था, आता था, जाता, चाहे बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी मौसम रहा हो, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं जाता रहा। आखिरकार उसको लेके आया, आज वो 6वीं क्लास में पढ़ रहा है और एक शहर के अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन। धन्य हो गया आज मैं खुद कि आप एक नेक दिल इंसान है। लोग जहाँ कहते हैं कि क्यों मैं दूसरे का बोझ अपने सर पे क्यों लूं, लेकिन आप माँ बाप का भी उस बच्चे को दर्जा दिया और तो और पूरे भारत में एक अलग पहचान आपने दिया है। मैं सलाम करता हूँ सर कि भारत में आप जैसे लोग भी हैं।
कि ऐसे ऐसे कहानियाँ लो, आप कभी कहानी पढ़ते हैं तो लोग लगता है कि सिर्फ कहानी, लेकिन आप हकीकत में करके दिखाए हैं। वाकई सर आप क्या बताएं, कोई शब्द नहीं है। सर चलिए, आज उस बच्चा भी इनके साथ है और बच्चा बहुत सोना है, मैंने देखा बहुत, अगर कहा जाए तो बहुत अजीब है। सर आगे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आगे उस बच्चे के प्रति क्या आपने सोच रखा है, या फिर आपके बच्चे नहीं होंगे, शादी तो कर लिया, किस तरह से? 5 साल हो गए हम लोगों की शादी को, तो कोई सामान्य लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। क्यों, क्या कमी है? बस वो क्योंकि ये शबनम का बेटा है, इसलिए। अब जब शबनम के बेटे को लेने की जिद थी कि मुझे उसको लेना है, तो कोई लड़की शादी नहीं कर रही है, तो फिर एक लड़की मिली शादी के लिए, लेकिन उसने एक शर्त रखी थी कि मैं अपना कोई बच्चा पैदा नहीं करूँगी। इस शर्त पर अगर तुम्हें ताज को लेना है, मतलब बच्चे को लेना है, तो ले लीजिए। इस शर्त पे कि मुझसे शादी करनी है तो कर लीजिए, कि मैं अपना बच्चा पैदा नहीं करूँगी। मैंने भी भीष्म पितामह की तरह ओके कर दिया, और आज लगभग 6 साल हो गए हैं, कोई बच्चा ही नहीं है। कौन होगी महिला जो शादी करने के बाद कहेगी कि मैं माँ नहीं बनना चाहूँगी? धन्य है वो आपकी जो बीवी बन के आई हैं, और धन्य है इस भारत की नारी। वाकई जब भारत की नारी पे आती है बात, तो कोई ना कोई नारी अजीब एक इतिहास लिख के जाती है, और आपने लिखा है सर। आज मैं धन्य हो गया, और उनसे भी मैं चाहूँगा सर कि 2 मिनट इस तरह से है। देखिए सर, भावुक होते कोई नहीं चाहेगा सर, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, कि कोई नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी और मैं बाप अपने खुद का, लोग कहते हैं ना कि दूसरे के घर में रहने से अच्छा है कि मैं खुद का झोपड़ी में रहना पसंद करूंगा। और आपने सर सब कुछ त्याग दिया उस शबनम के बेटे के लिए। आगे चल के उस शबनम का बेटा क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन उस माँ के, लोग कहते हैं ना कि हर एक जब शादी होती है तो हर एक पत्नी का, हर एक लड़की का सपना होता कि मेरा एक खुद का बेटा होगा, लेकिन उसने अपने कोख को भी मार दिया उस शबनम के बेटे के नाते। सर कोई शब्द नहीं है, मैं ज़्यादा सवाल भी नहीं करूँगा, और आप हमेशा कहानियाँ दिखाते हैं। सर का यूट्यूब चैनल बहुत ज़बरदस्त चलता है, और हमेशा ऐसे ही कहानी दिखाते रहते हैं। अच्छा भी लगा कि मैं इनकी कहानी को आज मैं खुद प्रस्तुत किया, और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे चैनल पे सर ने आके समय दिया। लास्ट सवाल सर, देखिए अब मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा, चूँकि आज एक अलग ही कुछ हो गया, और इस तरह के लोग, आप जैसे लोग अगर भारत में रहेंगे तो भारत को फिर से सोने की चिड़िया कही जाएगी, ये जितेंद्र कह रहा है। तो आपने सर एक अलग अलग जगह है, सलूट है आपको। लास्ट में सवाल करना चाहूँगा सर कि आज आप हमारे YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस पर हैं, और हमारे जैसे तुच्छ प्राणी के चैनल पे आकर आपको कैसा आभास हो रहा है? सारी ठीक है, आपने जो भी है, दर्शक आपको देख रहे हैं, आप जितने भावुक हैं मैं समझ सकता हूं सर, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। वही कहावत है ना कि जिसका दर्द ना, मतलब जो दर्द से ना झेला हो, दूसरे का दर्द नहीं समझता। तो मैं समझ सकता हूं सर, एक एक पल मैंने दर्द झेला, और आपकी दर्द को मैं समझ सकता हूं। दर्शक आपको देख रहे हैं सर। लास्ट सवाल, ज़्यादा मैं सवालत नहीं कर पाऊँगा सर आपके सामने, मैं एकदम नर्मस्तक हो गया सर, आज मैं नर्मस्तक हो गया। किसी एक बार फिर से पूछ लीजिए क्या? किसी के सामने इस तरह से मैं नहीं हुआ था, लेकिन आज मैं नर्मस्तक हो गया सर। आप कोई कहानी, कोई हिस्ट्री, क्या मैं कहूँ, कुछ समझ में कोई सवाल आता नहीं, बस लाख सवाल आते ही है कि आज जितेंद्र दिव्यांग के यूट्यूब चैनल पे आके, और हमारे जैसे आप कभी हमें देखा करते थे, मैं भी आपको देखा था, लेकिन आज हमारी आपकी मुलाकात हो गई, आप हमारे जैसे एक तुच्छ प्राणी के दिव्यांग, एक दिव्यांग होने के नाते, लोग कहते हैं ना दिव्यांग तो नहीं मानता, लेकिन आज हमारे चैनल पे आके आपको कैसा लग रहा है? देखो ये बहुत बड़ी बात है जी, कि आप कई सौ किलोमीटर का सफ़र तय करके आज मुझसे मिलने के लिए आए हैं जी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मेरे लिए मतलब बड़े, मुझे शर्मिंदगी भी हो रही है कि आप इतनी ठंड में। गर्व तो मुझे हो रहा है सर, कि नहीं ठंड की बात नहीं है सर, आप जैसे महान लोगों से मिलने का सबका थोड़ी होता है कि कोई आके सौभाग्य वो प्राप्त। आज मुझे फिर से डबल ऊर्जा मिली है जितेंद्र, आज से फिर से जोश एक्सप्रेस ने जब तूफान बन के चलेगा, और लोग देखेंगे कि उस्मान साहब से मिलने के बाद जितेंद्र तूफान कैसे बन गया। आपकी कहानी मुझे हिला के रख दी सर, क्या बताऊँ। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको कि आपका चैनल वाकई एक्सप्रेस बन जाए, सुपर फास्ट बन जाए, बुलेट ट्रेन बन जाए, ऐसे ही आप तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें, और मुझे वाकई आपसे मिलके बेहद खुशी हुई,
और कुछ बात याद आ गई थी। असल में बात क्या थी कि इस बच्चे को लेने के बाद समाज में बहुत सारी चीज़ खोई मैंने, और जब खोई तो फिर अपने आप को कैद कर लिया। अब कैद कर लिया तो कुछ था ही नहीं कुछ करने के लिए, जो भी चली जाती है। तो मैं सोचा कि चलो यार कुछ YouTube पे कुछ करते हैं, कुछ सच्ची कहानियां हैं उनको सुनाते हैं। लेकिन कभी आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं आपके चैनल पे बताया कि मैं वो उस्मान सैफी हूँ जो कि YouTube पे कहानी सुनाता हूँ, और मैं वही उस्मान सैफी हूँ कि जो शबनम के बेटे को भी लेके आया था। तो वाकई मुझे आपने इमोशनल कर दिया, बहुत सारी चीज़ें थी दिमाग में एकदम नहीं, नहीं। आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में ये सब करने में बहुत सारा संघर्ष भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ें छूटी हैं समाज में। जब कभी आप कुछ अलग हट के करेंगे ना तो आपको बहुत कुछ खोना पड़ेगा, तब जाके कुछ मिलता है। चलिए सर के साथ मैं मिल के और कहानी, या हमेशा एक कहानी बताते रहते थे लेकिन रियलिटी कहानी आज मैं इनसे जाना हूँ कि इनकी भी तो कहानी है। जो दूसरे की कहानी बताता है वाकई उसकी कहानी अजीब होती है, तभी वो दूसरे की कहानी बता पाता है। सब लोग नहीं कहानी दूसरे का बता पाते हैं सर। सही। आपने अपनी कहानी को छुपा के, लोग कहते हैं ना कि खामोशियों को ज़रूरी नहीं है जुबा देना, आप तो इतने जो आपने, लोग कहते हैं ना कि जो दर्द आपने छुपा के रखा है लोग नहीं देख पाएंगे, और आपकी दर्द की कीमत को ये समाज नहीं दे पाएगा सर। ये मैं कह रहा हूँ कि समाज क्या देगा आपकी दर्द की कीमत को, कभी अदा नहीं कर पाएगा। लेकिन आज मैं धन्य होगा सर कि आपके द्वारा, और उनका भी, मैं जो आपकी पत्नी है उनका भी, मैं बड़ा अजीब है कि एक माँ दूसरे बेटे को अपना बेटा समझती है और अपने कभी माँ बनने का सपना दिलो दिमाग से निकाल देती है। कैसी होगी वो माँ, आज तो वाकई हिला देगी। असल में वो मेरी कहानी का असली हीरो वही है कि मैं अगर कुछ कर पाता हूँ तो उसी की प्रेरणा से कर पाता हूँ। नहीं, जब जब मैं गिरा हूँ, जब जब मुझे गिरने की मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि मैं उठ नहीं पाऊँगा, अब तब तब मुझे उसी ने संभाला है। और हमेशा आपको शायद ताज्जुब होगा कि मेरी अक्सर जितनी भी कहानी मैं पढ़ता हूँ वो सब येलो कैटेगरी में जाती हैं, उसे यूट्यूब की तरफ से ज़्यादा कुछ पैसा वैसा नहीं मिलता है उस पर। लेकिन एक दिन ये कह के उन्होंने मुझे, मेरा हौसला अफजाई कर दिया कि उस्मान जो भी कहानी पढ़ोगे आज से मेरे लिए पढ़ोगे, जितनी भी तनख्वाह बनेगी आज से मैं आपको तनख्वाह दूंगी, मेरे लिए काम करोगे। लेकिन ये कभी मायूस मत होना कि ये येलो में जाती है या ग्रीन में जाती है, बस आप पढ़ो, और कहानी को जब भी पढ़ो तो ये समझ के पढ़ना कि ये समझ लो कि रियलाइज़ करके कि आपके साथ हुआ है। जब रियलाइज़ नहीं करोगे तब तक उस चीज़ में डूबोगे ही नहीं, और शायद मैं रियलाइज़ कर लेता हूँ हर चीज़ को कि ऐसा लगता है जैसे ये मेरे साथ हुआ है। तो मैं जैसे, आप कोई पीड़ित होता है बताने की कोशिश करता है, तो मैं शायद पीड़ित बन के उस कहानी को पढ़ता हूँ, इसलिए उसमें मैंने देखा है सर, देखा है वाकई सर। आज आप साबित किया कि भारत सतयुग से लेके कलयुग तक अगर एक नारी, लोग कहते हैं कि नारी अगर घर चाह देगी तो बना देगी, और वही नारी है जिस घर को उजाड़ देगी। लेकिन आपकी नारी धन्य है कि आपके घर को ताज जिस नाम में आए, लेकिन इस ताज को ताजमहल में कन्वर्ट करने का काम आपकी वो बीवी की है, और धन्य है वो बीवी कि आप जैसे को इतना सहारा, हम लोग को तो कोई वो नहीं होता है और बीवियां तो लड़ जाती है। अरे अगर इस तरह से कोई मिले तो वाकई ना बोले तो लड़ाई तो स्वाभाविक हमारे घर में भी होती है, ऐसी बात नहीं, छोटी छोटी बातों के लिए इतना प्यार, लेकिन हाँ प्यार बाकी त्याग कोई नहीं कर पाया, वो बाकी असली त्यागी वही है। मतलब मुझे लगता है कि उसने वाकई बहुत त्याग किया। चलिए दोस्तों, आज रहा उस्मान साहब के साथ, अजीब रहा। अब ऐसे ही कहानियों के साथ फिर कभी अगर मौका मिलेगा तो उस्मान साहब के द्वारा उनका भी मैं वीडियो शूट करने का कोशिश करूंगा और दिखाने का भी आपका प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।